हेलो एवरीवन, इट्स मी तनुजा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल। सो वेलकम टू माय ह्यूज बॉटम वेयर हॉल कलेक्शन वीडियो। एंड यू गाइस ऑलवेज आस्क मी अ क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज दिस डेनिम एंड फ्रॉम वेयर यू हैव परचेज हाई वेस्ट डेनिम एंड व्हाट आर द बेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट जहाँ से हम अपना डेनिम परचेज कर सके। सो इस वीडियो में आपको सारा क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला, तो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखना। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आपको नोटिफिकेशन जाए वेन एवर आई अपलोडेड अ न्यू वीडियो। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और कमेंट करके बताना आपको ये सारे डेनिम में से आपका फेवरेट कौन सा है। लाइक मेरे तो सारे फेवरेट है, बट आपका भी जानना है मुझे, आपको कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और गाइस, वन मोर थिंग, मैंने सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर शेयर कर दिया है, तो इफ़ यू वांट टू परचेज यू कैन डायरेक्टली परचेज फ्रॉम देयर। सो यार, चलिए मैं आपको पहला आइटम दिखाती हूँ जो यहाँ पे मैंने ढेर सारा इतना रखा हुआ है, मैं वो आपको दिखाती हूँ। गेट दिस, ओ माय गॉड, इतना सारा डेनिम है। तो ये सारा डेनिम मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा तो, बट वीडियो को एंड तक देखना तब आपको पता चलेगा आपका फेवरेट कौन सा डेनिम है। तो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग सिंगल मोर मिनट ऑफ टाइम। लेट्स क्विकली जंप इनटू द वीडियो। मैं ट्राउजर से स्टार्ट करती हूँ। लाइक ट्राउजर नहीं, जॉगर्स ही बोलेंगे इसे, बट ये बहुत अच्छी क्वालिटी का। और मैं कभी भी ट्रैवल करती हूँ तो मुझे लगता है कि थोड़ा अच्छा क्वालिटी का जॉगर्स होना चाहिए, ट्राउजर होना चाहिए, जो पहन के हम आराम से जा सकें कहीं भी। लाइक नॉर्मल तो सबके पास होता है, 200-300 में आजियो पर बहुत अच्छा मिलता है। सो यार गाइस, दिस इज द फर्स्ट वन। आप देख सकते हैं यहाँ साइड से एक जिप लाइक पॉकेट है और नीचे से इनका यही सेम स्ट्रेचेबल वाला है। ऊपर भी यहाँ इन्होंने इलास्टिक लगाया हुआ है। सामने से एक बटन है, कोई भी जिप नहीं है। लाइक दोनों तरफ पॉकेट्स भी हैं एज यू कैन सी। आपको तो पता है मुझे पॉकेट्स वाला ही पैंट मुझे बहुत अच्छा लगता है, लाइक बॉटम वेयर में पॉकेट होना ही चाहिए। सो द ब्रांड नेम इज सरफराज ब्रांड का है। इसमें मेरा साइज है स्मॉल और ये ब्लैक कलर का, स्किन कलर व्हाइट कलर और ब्लैक मिलेगा, बट स्किन कलर में मेरा साइज नहीं था और मुझे कहीं ट्रैवल करना था, इसलिए मैंने ये परचेज किया। सो यार गाइस, दिस इज द फर्स्ट वन। इसमें मेरा साइज है स्मॉल। आई थिंक ये मुझे 1063 रुपीज में मिला था, बट अभी इसका प्राइस और ज़्यादा कम है तो मैं इसका लिंक शेयर कर दूंगी। मैंने इसे 4-5 मंथ पहले लिया था तो उस टाइम ज़्यादा प्राइस था, अभी मैंने जब चेकआउट किया तो बहुत कम प्राइस है। तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। और इसका जो क्वालिटी है, मोटा कॉटन है, आई थिंक मुझे उतना मटेरियल का उतना आइडिया नहीं है, बट आई थिंक ये उसी का है। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा क्वालिटी, स्ट्रेचेबल नहीं है, ज़रा भी स्ट्रेचेबल नहीं है। आप अगर वैसे भी मेरे से हेल्दी हो तो आपको इससे बिग साइज परचेज करना। मैंने तो स्मॉल परचेज किया, आप मीडियम लार्ज ये भी परचेज कर सकते हो। सो गाइस, दिस इज द फर्स्ट वन। तो मैं क्या करूँगी, मैं आपके साथ इसका फोटो शेयर करूँगी, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा अगर वीडियो आपके साथ शेयर किया तो, इसलिए मैं सबका फोटो भी शेयर कर दूँगी तो आपको आराम से दिख जाएगा ये कैसा दिखता है। सो यार गाइस, दिस इज द फर्स्ट वन। मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम। और ये जीन्स के लिए बहुत सारा कमेंट था, बहुत ज़्यादा कमेंट था, तो आई थॉट इसका तो शेयर करना बनता है भाई आप लोगों के साथ। सो यार गाइस, दिस इज द सेकेंड वन। और ये मॉम जीन्स है, लाइक अब बहुत लूज है, ये बहुत लूज पैटर्न वाला है और मेरे को बहुत अच्छा लगता है, बहुत कंफर्टेबल लगता है। एक टाइट फिटिंग जो स्किन फिटिंग होता है उसका तो अलग ही लुक आता है, बट अगर आप लूज पैटर्न वाला भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है तो मैंने ये परचेज किया। बहुत सस्ते प्राइस में मुझे ये मिला एज कम्पेयर टू डेनिम का हमेशा प्राइस ज़्यादा ही रहता है, बट ये मुझे बहुत कम प्राइस में मिला। तो यार गाइस, दिस इज द ब्लू वन। और ये आपको सामने से मैं दिखाती हूँ कुछ इस तरह से, लाइक आपको पता चलेगा एक गंदा नहीं आपको लग रहा हो थोड़ा गंदा, बट ये कलर ही वही है। ठीक है गाइस, दोनों तरफ से दो पॉकेट है, पीछे भी इन्होंने पॉकेट दिया हुआ है, आगे से जिप है और एक सिल्वर कलर का बटन है। और इसका ब्रांड, इसमें मेरा साइज है 38 मैंने परचेज किया है इसका। और द ब्रांड नेम, ब्रांड का नाम इसमें नहीं लिखा हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगी तो आप देख चेकआउट कर सकते हो। और नीचे से लाइक ये इसका से थोड़ा फिटेड वाला जींस होता है, थोड़ा ही बस, मतलब थोड़ा वो नीचे से सर्कल टाइप होता है, तो वो ये जीन्स का पैटर्न उसी तरह है। मैं अगर आपको यहाँ पर फोटो शेयर कर दूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगा। तो यहाँ गाइस, दिस इज द सेकंड वन। ऐसे मेरा साइज है 38 और ये मुझे मिला है 847 रुपीज में। मूविंग टू द थर्ड वन, दिस ये बॉटकट जीन्स है, वो है ये आई थिंक। और इसमें मेरा साइज है 28, ये टोक्यो टॉकीज ब्रांड का है और ये भी बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है एज यू कैन सी। ये बहुत स्ट्रेचेबल है
और ये भी हाई वेस्ट जींस है, ये नेवी ब्लू कलर में, आई कैन सी ये नेवी ब्लू कलर में। यहाँ पे एक जिप है और एक बटन है और पीछे भी दो पॉकेट हैं और आगे भी दो पॉकेट हैं। सो ये टोक्यो टॉकीज का, ये आपको मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजन सब पे मिलेगा। सो यहाँ ये भी हाई वेस्ट है, इसमें मैंने साइज बता दिया, ब्रांड बता दिया और आई थिंक ये मुझे 648 रुपीज़ में मिला है। वेरी अफोर्डेबल और बहुत अच्छा कम्फर्टेबल जीन्स है। सो यहाँ दिस इज द थर्ड वन। मूविंग टू द फोर्थ वन, ये पूरा लूज पैटर्न पैंट वाला जो स्टाइल होता है ना, वो पैंट स्टाइल का है ये। और इसमें मेरा साइज है 30 साइज मैंने परचेज किया, ब्रांड है कोटी ब्रांड का और यहाँ पे इन्होंने एक जिप डाला हुआ और एक यहाँ बटन है। मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप लोगों को, अगर आप लोगों को डेनिम परचेज करना है बहुत सस्ते मतलब लाइक अफोर्डेबल प्राइस में, तो आप कोटी ब्रांड पे चेकआउट कर सकते हैं। कोटी ब्रांड उनका बहुत अफोर्डेबल प्राइस रहता है। मैंने आई थिंक मैंने आज तक 2-3 कोटी ब्रांड का परचेज किया है, सारा मुझे बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल लगा है, तो आप भी उसे चेकआउट कर सकते हो। ऐसे दो जिप, दो पॉकेट है, पीछे भी दो पॉकेट है और या और ये मुझे मिला है 148 रुपीज़ या 38 रुपीज़ में ऐसा कुछ, मतलब मेरे को इतना याद है 500 समथिंग में ये मुझे मिला था। तो 500 में डेनिम, ये प्योर डेनिम है, मतलब ये पूरा ही डेनिम है और थोड़ा ही स्ट्रेचेबल है, ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं होता, नीचे से लाइक ये ओपन वाला जो वाला है। मूविंग टू द सिक्स्थ वन, टोटल आई थिंक मैं आपके साथ 15 और 13 ऐसा कुछ डेनिम शेयर करूंगी। ये है आकाशिक ब्रांड का, इसके लिए भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है क्योंकि मैक्सिमम फोटो मेरा इस जीन्स में है, इसलिए क्योंकि ये जीन्स मुझे बहुत, ये जीन्स बहुत कंफर्टेबल है, तो इसलिए मैं हमेशा लाइक कोई भी क्रॉप टॉप पहनती मैं ये जीन्स ही पहनती हूँ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए, तो आई थॉट ये भी जीन्स को शेयर करना आप लोगों के साथ बनता है। सो यह आकाशिक ब्रांड का है, इसमें मेरा साइज है 30 और ये मुझे मिला है 900 रुपीज़ में। सो यहाँ दिस इज, ये बहुत हाई वेस्ट है, मतलब अगर फर्स्ट से पेट निकला हो तो भाई हाई वेस्ट पहन लो, पेट वेट कुछ नहीं दिखेगा, तो इसलिए मैं हमेशा हाई वेस्ट ही पहनती हूँ। मुझे हाई वेस्ट में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। अगर आप कभी हेल्दी हो तो वो क्या करता है, वो आपको एक शेप देता है। हाई वेस्ट में ये बहुत अच्छा क्वालिटी है कि आपको एक शेप मिल जाता है, तो आप क्रॉप टॉप ये सब आराम से पहन सकते हो। तो बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन होता है ना, ब्लैक कलर का जींस परचेज किया है उसका कलर चला जाता है या फिर वो धोते धोते मतलब ब्लैक थोड़ा ना ग्रे टाइप का हो जाता है। बट गाइस मैंने इसे धोया भी है दो बार, इसका एक साल हो गया ये जीन्स परचेज किए हुए, बट इसका अब तक कलर नहीं गया। तो अगर आपको ब्लैक जीन्स चाहिए तो आप आकाशिक ब्रांड से ब्लैक जीन्स परचेज कर सकते हो। तो दिस इज द जीन्स गाइस, हाई वेस्ट है, साइड से दो पॉकेट है, पीछे भी दो पॉकेट है। सो या दिस इज द, और यहाँ आगे देख सकते हैं आप रूस डिजाइनिंग है, कुछ रूस टाइप रफल वाला है कुछ, ये आगे को ऊपर को, और इन्होंने दो रिबन दिया हुआ है यहाँ पे, आप इसे वो बना सकते हो। एंड बैक से इन्होंने दो पॉकेट दिया हुआ है, आगे से भी दो पॉकेट है और नीचे से लाइक ऐसा फोल्ड किया। इसमें मेरा साइज है मीडियम, मैंने परचेज किया है और ब्रांड मैक्स ब्रांड से मैंने परचेज किया है। वैसे मैंने तो इसे मॉल से परचेज किया था कोविड से पहले, बट अब मैक्स ऑनलाइन भी आ गया, तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो, लाइक मिंत्रा, फ्लिपकार्ट सब पे मैक्स है, यहाँ तक कि आजियो पे भी है, अमेजन पे नहीं है। द नेक्स्ट आइटम गाइस इज दिस, ये बॉयफ्रेंड जीन्स है एंड ये थोड़ा शेडेड कलर में, मतलब स्काई वो वॉश कलर टाइप होता है ना, वो उसी कलर में आप देख सकते हैं, ये पूरा वॉश कलर ही है। और इसमें मेरा साइज है 38, मैंने इसका साइज परचेज किया है और यहाँ पे आगे से एक जिप है, दो पॉकेट है, पीछे से भी दो पॉकेट है। मैंने जो आपको वो पहले से पहले जीन्स बताया था वो मॉम दिस उसी ब्रांड का मैंने ये बॉयफ्रेंड जीन्स भी परचेज किया है। सो गाइस मूविंग टू द नेक्स्ट पैंट, और एक मेरे पास फॉर्मल पैंट भी है। सो या दिस वन इज द नेक्स्ट पैंट गाइस, ये पीछे से स्ट्रेचेबल है और आगे से लाइक ये लॉक करने का है, यहाँ पे लॉकर है, यहाँ पे लाइक जिप है एक और दो पॉकेट है, बस आगे से दो पॉकेट है, पीछे कोई भी पॉकेट नहीं है। और ये सरसफराज ब्रांड का, इसमें मेरा साइज है मीडियम और ये मुझे मिला है 600 रुपीज़ में, 601 या 602 ऐसे कुछ था, मेरे को उतना प्रॉपर याद नहीं है। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट वन एंड ये बहुत कंफर्टेबल है, लाइक आप इसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के लिए यूज़ कर सकते हो, इवन क्रॉप टॉप पे भी पहन सकते हो, वाइट, ब्लैक, ब्राउन, बहुत ज़्यादा आप इस पैंट को स्टाइल कर सकते हो और ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मतलब स्टैंडर्ड लुक देता है। सो गाइस दिस इज द नेक्स्ट वन, मूविंग टू द नेक्स्ट आइटम। अब मेरे पास अभी और 5 जीन्स है, दोनों मैं आपके साथ शेयर करूँगी। दिस इज द वन हाई वेस्ट जीन्स है मेरे पास, वाइट कलर का, पीछे से दो पॉकेट है, आगे से कोई पॉकेट नहीं है, लाइक आप देख सकते हैं यहाँ डिज़ाइन बना हुआ है, कोई पॉकेट नहीं है, यहाँ पे जिप है और ये एक बटन है। और ये ब्रांड है H&M ब्रांड का है ये, और ये मेरा साइज इसमें 29, बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ज़्यादा हाई वेस्ट है, मतलब आप अगर लाइक आप यहाँ तक भी क्रॉप टॉप पहन रहे हो आप आराम से पहन सकते हो, बहुत ज़्यादा क्रॉप टॉप भी आप इसके साथ पहन सकते हो। सो या गाइस दिस इज द नेक्स्ट वन,
और ये मुझे मिला है 1000 रुपीज़ में। मैंने इसे मॉल से जाकर परचेज किया था जब सेल था, तब अभी भी H&M पे सेल है तो आप इसको जरूर चेकआउट कर सकते हो। द नेक्स्ट आइटम ग्रे कलर, मतलब ग्रे कलर पहले अभी कुछ दिन पहले बहुत ज़्यादा ट्रेंडी था ग्रे कलर, तो मैंने भी उसी टाइम परचेज किया था। दिस वन, ये भी हाई वेस्ट है, द ब्रांड नेम इज स्पोर्टी ब्रांड से मैंने इसे परचेज किया है एंड माई साइज इज 28। और यहाँ पे एक जिप है और एक बटन है, आगे से दो पॉकेट है, पीछे से दो पॉकेट है। और ये इसका मटेरियल मैं बोलूँगी उतना भी ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप इस H&M के जीन्स का बात करें तो एज़ कम्पेयर टू दिस, इसका ना ये स्ट्रेचेबल नहीं है, स्ट्रेचेबल नहीं रहता तो वो कंफर्टेबल फील नहीं होता बैठने में। सो ये आप देख सकते हैं ये ज़रा भी स्ट्रेचेबल नहीं है, तो आप इसे परचेस कर सकते हो बट अगर आपको स्ट्रेचेबल जीन्स चाहिए तो आप इसे मत परचेस करना क्योंकि ये ज़रा भी स्ट्रेचेबल नहीं है। नीचे से लाइक ये ओपन वाला जो डिज़ाइन होता है वो है, बट हाँ हाई वेस्ट है और ये बहुत अच्छा दिखता है क्योंकि ग्रे कलर है। सो यार गाइस दिस इज माय नेक्स्ट आइटम, प्राइस नहीं बताया, वो मुझे 785 रुपीज़ में मिला है। मूविंग टू द नेक्स्ट वन इज दिस अगेन ब्लैक कलर का, मेरे पास आई थिंक ब्लैक कलर का 4-5 स्टाइल में है, मतलब एक बॉडकट है, एक हाई वेस्ट जीन्स है, एक लो वेस्ट जीन्स भी है ब्लैक कलर का और एक बॉयफ्रेंड जीन्स भी है ब्लैक कलर का। सो यार दिस वन इज द बॉयफ्रेंड जीन्स ब्लैक कलर का, हाई वेस्ट है, ब्रांड नेम इज स्कोटी ब्रांड, माई साइज इज 30 और ये बहुत कंफर्टेबल है, आप इसे परचेज कर सकते हो। लाइक थोड़ा ही स्ट्रेचेबल, ये भी ज़्यादा स्ट्रेचेबल नहीं है, थोड़ा स्ट्रेचेबल है बट ये बहुत कंफर्टेबल है। यहाँ से एक जिप है, दो बटन है, पीछे भी दो जिप है, दो पॉकेट है, पीछे भी दो पॉकेट है। एंड इसमें मेरा साइज है 30, ये कोटी ब्रांड का, मैंने इसे फ्लिपकार्ट से परचेज किया था और इसका प्राइस है 748 रुपीज़। क्वालिटी भी अच्छा है, मैंने अब तक इसे एक भी बार वॉश नहीं किया है क्योंकि अभी ज़्यादा दिन मैंने इसे उतना भी नहीं पहना, एक दो बार ही पहना तो वॉश नहीं किया, तो आई डोंट थिंक इसका कलर जाएगा क्योंकि कलर जिसका जाता है वो आपको थोड़ा क्वालिटी देख के ही पता चल जाता है। सो यार इसका भी कलर नहीं जाएगा तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हो। ब्लू कलर का जीन्स अब देख सकते हो, मुझे ये जो स्टाइल यहाँ पे बना हुआ है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा था और स्केच टाइप जो बना हुआ है वो, और इसमें मेरा साइज है 28 साइज है मेरा और ये ओनली ब्रांड का है। एंड आगे से भी दो पॉकेट है, पीछे से दो पॉकेट है, नीप पे कटा हुआ है एक साइड, आप देख सकते हैं। ये काफ़ी कंफर्टेबल जीन्स है, काफ़ी पुराना है, मतलब आई थिंक 3 साल या 4 साल पुराना ये जीन्स है, बहुत अच्छे से आता है और यह बहुत कंफर्टेबल जीन्स है और बहुत बारी मैंने इसे वॉश किया है। पर आई डेफिनेटली रिकमेंड यू, अगर आपको जीन्स परचेज करना है और ओनली ब्रांड पे सेल है तो आप उसी से परचेज करो क्योंकि ओनली ब्रांड का जीन्स बहुत अच्छा होता है गाइस। मैंने इससे लाइक 4 ईयर्स से मैं इसे पहन रही हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने इसे पहना, लाइक कॉलेज जब भी जाना होता था तो मैं इस जीन्स को ज़्यादा वेयर करती थी, इवन अगर कहीं बाहर भी जाना हुआ तो मैं इस जीन्स को ज़्यादा वेयर करती थी क्योंकि बहुत कंफर्टेबल है। और ये मुझे मिला था 1000 रुपीज़ में और ये मैंने इसे सेल से परचेज किया था, तो अगर आपको जीन्स लेना है, आप 1000 तक कंफर्टेबल हो तो आप डेफिनेटली ओनली ब्रांड से परचेज करो। सो यार गाइस दिस इज द सेकंड लास्ट आइटम, ये आप लोगों ने अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा मैंने इसे भी कितनी बार पहन के अलग अलग फोटोज पोस्ट किया हुआ है। अगर आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम का यूजर आईडी आपको ऊपर शो हो रहा होगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा और आप डेफिनेटली आप मेरा जो पेज है, मेरा जो पूरा फोटो पोस्ट है, एडिटिंग है, डेफिनेटली आप बहुत लाइक करोगे तो आप जरूर से जरूर आप उसे फॉलो कर लो। सो यार गाइस दिस इज द लास्ट वन, ये डार्क ग्रीन कलर का ये स्ट्रेट पैंट है, लाइक बॉडकट स्टाइल का ये, बट ये डेनिम नहीं है, ये कपड़ा वाला में बैक से जिप है इनका, आप देख सकते हैं। इसे आप पहनोगे बहुत कंफर्टेबल, आपको ऐसा लगेगा कि आप लॉन्ग स्कर्ट पहने हुए, ये बहुत ज़्यादा लाइक घेरा होता है ना, वो नीचे से बहुत ज़्यादा घेरा है, ऊपर आपको फिट होगा पूरे आपके थाइस में बट नीचे पूरा घेरा है, जैसा बॉडकट का स्टाइल का वो जो पैटर्न होता है उसी टाइप का ये, और आगे से लाइक लाइनिंग बना हुआ है आप देख सकते हैं। इसमें मेरा साइज़ है मीडियम मैंने परचेस किया है और ये तो मैंने वैसे सीन से परचेस किया था पर इसका सेम मैंने अमेजन फ्लिपकार्ट भी देखा हुआ है, तो मुझे उसका क्वालिटी तो नहीं पता बट आप डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर सकते हो अगर आपको परचेस करना हुआ तो। एंड ये बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, आप देख सकते हो, स्ट्रेचेबल भी है बहुत। So yeah guys, that's it for today's video. I hope you like it. If you don't forget to hit the like button and also if you haven't subscribed my channel yet, so please subscribe to my channel. और आप बताओ आपको ये पूरे डेनिम हॉल से, डेनिम कलेक्शन से आपका कौन सा फेवरेट है। मैंने आई थिंक टोटल 15 or 16 डेनिम मैंने आपके साथ शेयर किया है आज। सो यार टोटल 15 डेनिम मेरा खुद का फेवरेट है, तो आप भी अगर आपको पसंद आ रहा हो तो आप किसी भी डेनिम को परचेस कर सकते हो, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया हुआ है, तो जो
जो मैंने आप लोगों के लिए किया हुआ है. सो या गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक इट. प्लीज हिट द लाइक बटन. या गाइस चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय.